Which method is best for limb lengthening surgery? Hi, I am Dr. Hirdesh from Height Increase Info. आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कौन सा method best है for limb lengthening surgery? ये हमारे पास बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमें कौन सा method choose करना चाहिए limb lengthening surgery के लिए। फर्स्ट, कौन कौन से मेथड हैं फॉर लिम्ब लेंथनिंग के लिए जो हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली करते हैं, सबसे ज्यादा लिम्ब लेंथनिंग में करते हैं, दैट इज लेंथनिंग ओवर नेल। इस मेथड में एक्सटर्नल लेंथनिंग ओवर नेल, इस मेथड में होता क्या है, हम एक नेल इंसर्ट करते हैं। सपोज दिस इज एक्सटर्नल मेथड, दिस इज इलीजारो रिंग फिक्सेटर। इसमें यहाँ से ये टिबिया बोन है, आपके जो घुटने के नीचे वाली जो बोन होती है, ये इसमें एक नेल इंसर्ट होता है। ये एक नॉर्मल नेल ही होता है जो कि किसी ट्रॉमा या फिर फ्रैक्चर में डालते हैं, नेल इंसर्ट करते हैं जस्ट बिलो द नी, घुटने के नीचे से, और ये नी आप देख सकते हैं गैप, और इसमें बाहर से एक एक्सटर्नल फिक्सेटर लगता है, एक फ्रेम लगता है जिसमें कि दो वायर ऊपर होती है बोन को होल्ड करने के लिए, दो वायर नीचे होती है। जैसे कि इसमें आप ये गैप देख रहे हैं और ये किसके बीच में नेल है, स्टार्टिंग में ये गैप नहीं होता है। इसको 1 mm पर डे, सपोज अगर आपका आज सर्जरी हुआ है तो 7th to 8th day से 8वें दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रैक्शन, जो लेंथनिंग फेस है 1 mm पर डे स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे इसमें गैप क्रिएट होता है, जो भी आपका मैक्सिमम डिजायर है 7 to 8 cm तक जा सकते हैं हम लेंथनिंग में, वहीं उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देते हैं। जो कि ये नेल है, इनिशियली इसको ऊपर से लॉक करते हैं, लॉक कर देते हैं जब आपकी लेंथनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद नीचे से इसको लॉक कर देते हैं, नीचे से लॉक करते हैं ताकि जो आपका ये गैप है ये मेंटेन रहे और धीरे धीरे इसमें न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है, नई बोन आ जाती है और ये गैप ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। कि जब नेल लॉक करते हैं तब ये फ्रेम आउट कर देते हैं। तो ये लेंथनिंग ओवर नेल का बेनिफिट ये है कि वंस यू अचीव योर डिजायर लेंथ, जितनी आपको लंबाई बढ़ानी है उसके बाद में हम ये फ्रेम आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लेंथ है वो मेंटेन रहेगी नेल के वजह से, क्योंकि हमने इसको लोअर और अपर एंड से लॉक दिया, तो जो आपका गैप है ये मेंटेन रहेगा, धीरे धीरे इसमें कैलस आ जाता है और ये बोन फुल फॉर्म हो जाती है, एक बोन बन जाती है। इसके बाद एटलीस्ट 2 years का टाइम होता है, उसके बाद आप ये इंटरनल नेल रिमूव करा सकते हैं, तो आपकी बोन जैसे नेचुरल थी वैसे ही हो जाती है। सेकंड मेथड है प्योर इलीजारो। प्योर इलीजारो में क्या करते हैं, फिक्सेटर सेम लगता है, 2 pins ऊपर लगती है, 2 pins नीचे लगती है और बोन को बीच में से यहां से कट करते हैं, ऑस्टियोटमी की जाती है, बट इसमें कोई नेल नहीं होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज लेंथनिंग में क्या होता है, जब तक आपको ये फुल बोन फॉर्मेशन नहीं आ जाता तब तक इस फ्रेम को रिमूव नहीं कर सकते। सपोज अगर आपको 7-8 cm करना है तो आपको एटलीस्ट 12 से 15 months और मे बी ज्यादा, जब तक आपका बोन कंप्लीट फॉर्म नहीं हो जाता, सॉलिड नहीं हो जाता, ये फ्रेम आउट नहीं कर सकते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है और कभी कभी इसमें बोन मिसअलाइंड भी हो जाती है, क्योंकि इसमें अंदर हमारे पास नेल है इसको बोन को ट्रैक रखने के लिए, प्योर इलीजारो में ट्रैक नहीं होता। ऐसा ही जैसे मैंने बताया फीमर में ये फ्रेम लगता है, दैट इज मोनोरेल फिक्सेटर। इसमें भी सेम है, एक नेल इंसर्ट होता है LON में, और प्योर इलीजारो में इसमें नेल नहीं डालते, सिर्फ फ्रेम ही लगता है। इसमें भी जब तक आपका कंप्लीट बोन यूनियन नहीं हो जाएगा, बोन पूरा नहीं आता, तब तक फोर नहीं निकालते। थर्ड LATN लेंथनिंग अलोंग विद टिबियल नेल और फीमर नेल। इसमें क्या करते हैं, जो सर्जरी परफॉर्म होगी एज ए प्योर इलीजारो ही होगी, इनिशियली नेल नहीं डालते। जब आपका ये लेंथनिंग पूरा हो जाता है, फिक्सेटर लग जाएगा, जस्ट लाइक अ प्योर इलीजारो, प्योर मींस नेल नहीं डलेगा। जब आपका लेंथनिंग पूरा हो जाएगा, आपको 7 or 8 cm जितना भी करना है, उसके बाद ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर तब नेल डालते हैं, इसमें लास्ट में नेल डालते हैं। उसमें होता क्या है, कभी कभी जो आपका गैप है उसमें जो आपका बोन फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये बहुत ही रेयर करते हैं हम लोग, और ऐसा लेंथनिंग में बहुत रेयर होता है, अदरवाइज ट्रॉमा केसेस में करते हैं। एंड नंबर फोर्थ मेथड है प्रिसाइज 2.2, प्रिसाइज मेथड। प्रिसाइज में सिर्फ जो प्रिसाइज नेल है वो डलता है और इसमें बाहर से एक रिमोट होता है, मैग्नेटिक उस पे काम करता है आपका, उसमें भी लेंथनिंग 1 mm पर डे होती है, उसमें ये एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं लगता, लेंथनिंग रेट सेम है, 7 to 8 cm मैक्सिमम जा सकते हैं उसमें भी, बट उसमें बेनिफिट है कि आपको एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं लगेगा, आपके स्कार नहीं आएंगे, बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सब कुछ सेम है, हीलिंग टाइम
टाइम उसमें आपका सेम होगा, लेंथनिंग सेम मिलेगी, बट जो कॉस्ट है कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो ये थे मेथड, और जो सबसे ज्यादा लोग चूज करते हैं लेंथनिंग में, दैट इज LON, लेंथनिंग ओवर नेल, जो कि एक्सटर्नल मेथड में हम करते हैं सबसे ज्यादा, हम लोग टिबिया और फीमर में वही करते हैं। तो ये चॉइस आपकी होती है, बट अगर आप प्रॉपर लेंथनिंग पर्पस से देख रहे हैं तो लेंथनिंग ओवर नेल इज बेस्ट, और अगर आपके पास टाइम है तो आप प्योर लेंथनिंग भी करवा सकते हैं, बाकी चॉइस इज योर्स। तो अगर इस टाइप का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग और लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।